तो फिर से आपके लिए किसान भाइयों सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। आज फिर से हम लोग सरसों के भविष्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आज कैसा भविष्य रहा सरसों का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल की अपेक्षा आज सरसों का भाव अच्छा रहा, आज तेजी देखी गई सरसों में। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अब सरसों अच्छे दामों में बिकना शुरू हो गया है दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के बाद अब सरसों में अच्छी खासी तेजी है और अब सरसों का दाम जो है दोस्तों रेट है 6000 रुपए क्विंटल से डाउन नहीं जाने वाला है, क्योंकि अभी ओरिजिनल तेल का डिमांड है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग आज शाम तक का सरसों भाव जानते हैं। जयपुर 8000 रुपए क्विंटल से 8050 रुपए क्विंटल तक, दिल्ली 7600 रुपए क्विंटल से 7625 रुपए क्विंटल तक, निवाई में 7600 रुपए क्विंटल, टोक में 7450 रुपए क्विंटल से 7550 रुपए क्विंटल तक, मालपुरा में 7500 रुपए क्विंटल से 7600 रुपए क्विंटल तक, बारा में 7000 रुपए क्विंटल से 7166 रुपए क्विंटल तक, रायसिंह नगर मंडी में 6800 रुपए क्विंटल से 7080 रुपए क्विंटल तक, रुचि गुना 12 में आज सरसों का भाव रहा 7775 रुपए क्विंटल, हापुड़ में 7900 रुपए क्विंटल से 7950 रुपए क्विंटल तक, कानपुर मंटोरा में आज सरसों का भाव रहा 7900 रुपए क्विंटल, केकड़ी में 7150 रुपए क्विंटल से 7200 रुपए क्विंटल तक, गंगानगर में 7200 रुपए क्विंटल से 7250 रुपए क्विंटल तक, राजस्थान की भरतपुर मंडी में 7435 रुपए क्विंटल, बरवाले में 7050 रुपए क्विंटल से 7700 रुपए क्विंटल तक, हिसार में 6950 रुपए क्विंटल से 7050 रुपए क्विंटल तक, चरखी दादरी में 7250 रुपए क्विंटल से 7400 रुपए क्विंटल तक। इसके बाद दोस्तों पोरसा में 6950 रुपए क्विंटल से 7200 रुपए क्विंटल तक, ग्वालियर की मंडी में 7300 रुपए क्विंटल से 7450 रुपए क्विंटल तक, गंगापुर में 7450 से 7500 रुपए क्विंटल तक, सिरसा में 7000 रुपए क्विंटल से 7420 रुपए क्विंटल तक, भुना में 6700 रुपए क्विंटल से 7000 रुपए क्विंटल तक, नोहर में 6700 रुपए क्विंटल से 7135 रुपए क्विंटल तक, आदमपुर में 7000 रुपए क्विंटल से 7255 रुपए क्विंटल तक, संगरिया में 6850 रुपए क्विंटल से 7165 रुपए क्विंटल तक, इलाहाबाद में 6900 रुपए क्विंटल से 7100 रुपए क्विंटल तक। तो ये थी आज शाम तक का ताजा सरसों का रिपोर्ट। कल के अपेक्षा आज कुछ तेजी देखी गई सरसों में। सरसों की भविष्य के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, जानने वाले हैं कि सरसों का जो रेट है दोस्तों लॉकडाउन के पहले 40 से 45 रुपए केजी तक था, मगर लॉकडाउन के बाद सरसों का जो भाव है काफी ज्यादा उछाल में आई है और अभी करंटली जो सरसों का भाव है 6000 रुपए क्विंटल से 8000 रुपए क्विंटल के बीच में है। मतलब सभी मंडी में जो भाव एक एवरेज भाव चल रहा है 6000 रुपए क्विंटल से लेकर 8000 रुपए क्विंटल तक अभी सरसों का जो भविष्य है चल रहा है, जल्द ही कुछ तेजी और आने की संभावना है। तो एक बात तो तय है किसान भाइयों, सरसों का जो रेट है 6000 रुपए क्विंटल से डाउन जाने वाली नहीं है। अगर कितना भी रेट डाउन हो जाएगा मगर पहले के मुताबिक, तब सरसों 3500 रुपए क्विंटल से लेके 4500 का भाव नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब ओरिजिनल तेल का डिमांड है, सरकार ने दो नंबर तेलों की ओर रोक लगा दी है। तो सरसों का जो रेट है अगर कितना भी डाउन हो जाए तो 6000 रुपए क्विंटल से डाउन नहीं होने वाला है। सरसों का रेट अच्छे दामों में सरसों ही बिकने वाला है, मेरी गारंटी है। आप सरसों की खेती को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि सरसों एक मोटा रकम आपको हर एक वर्ष दे के जरूर जाएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।